यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आपके सामने आया हूँ और इस वक्त मैं भी आपसे एक वेक्टर से ही रिलेटेड पोर्शन लेके आया हूँ, जिसे हम लोग कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटीज के ऊपर में दो पार्ट में पड़ जाता है, एक रिलेटिव वेलोसिटी जनरल पढ़ लेते हैं और एक रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग स्पेशली पढ़ लेंगे रेन एंड अम्ब्रेला के प्रॉब्लम्स। तो चलिए हम लोग आते हैं वन बाई वन। तो क्या मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी का? जैसे आप सोचिए कि एक कार आपका टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है और दूसरा कार नॉर्थ जा रहा है, तो जो ईस्ट में जा रहा है वो नॉर्थ को किस स्पीड से जाते हुए देखेगा, या जो नॉर्थ में जा रहा है वो ईस्ट में किस स्पीड से जाते हुए देखेगा, क्या उसका वो ओरिजिनल स्पीड रहेगा या उसमें चेंज कर जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ साथ हमारा रिलेटिव एक्सीलरेशन टर्म भी आएगा और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टर्म भी आएगा। इन तीनों का कोरिलेशंस में किस तरह की प्रॉब्लम बन सकते हैं और क्या कॉन्सेप्ट इसका हो सकता है, ये हम लोग स्टडी करते हैं। और मानिएगा कि ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला चैप्टर है, बहुत गो ईजी वे में नहीं लेते हैं, नहीं तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि फिर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आने लगता है। तो चलिए हम लोग आराम से इसे समझते हैं। यस, हमारे सामने रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। क्या रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया? द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। और हम लोग इसको लिख लेंगे द रेट ऑफ रिलेटिव। यहां पर थोड़ा सा और आ गया, द रेट ऑफ द रिलेटिव चेंज इन पोजिशन। थोड़ा सा सेंटेंस को और क्लियर किया, द रेट ऑफ रिलेटिव चेंज इन पोजिशन मतलब ही वेलोसिटी हो गया, वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझिए, बहुत आसान लगेगा आपको। सपोज कीजिए कि एक कार है ए एंड इट इज मूविंग दिस वे। हम लोग इसका नाम देते हैं वेलोसिटी ए, चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है इसलिए उसमें वेक्टर साइन भी दिया। और एक चलिए कार उसी लाइन में लेते हैं, अलोंग द सेम लाइन, एक ये बी है, उस कार की वेलोसिटी भी है एंड दैट ऑल्सो मूव्स इन द सेम लाइन। अब कार ए का ड्राइवर कार अगर बी को देखता है तो कैसा हो जाएगा, या कार बी का ड्राइवर कार ए को देखता है तो कैसा रिलेटिव होगा, उसे लिखने का तरीका मैं चेक कीजिए। हम अगर ऐसे देते हैं वी ए बी, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए, जो पहले वर्ड जो आता है उसका पहले देते हैं और कॉमा जो आता है वो विथ रिस्पेक्ट हो जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये उसका मतलब हो गया। और अगर हम ऐसे करके देते हैं बच्चे लोग वेलोसिटी बी ए, और एरो देने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ऐसा लिखते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये उसका पढ़ने का तरीका हो गया। अच्छी बात हो गया, बहुत अच्छी बात हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, वी ए बी का मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसे? तो दिस इज सिंपल मीन्स वी ए माइनस ऑफ वी बी, ये उसका मतलब हो गया। और अगर सेम लाइन में है तब तो आप डायरेक्ट उसको घटा दीजिएगा वेक्टर का नियम के मुताबिक, और अगर सेम लाइन में नहीं है तब आप क्या कीजिएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले तो इसका मतलब ये देखिए। दूसरा मतलब क्या होगा, वी बी ए का मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ वेक्टर, ये बात है पहला लाइन में समझ। दूसरी बात ये है कि डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, तो डायरेक्शन को जरा यहाँ पर देख लीजिए, बेहतर ढंग से समझिए। कोई ऑब्जेक्ट अगर इस साइड जा रहा है दाहिने तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर कोई बायां तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो दिस इज ऑलवेज टेकन निगेटिव। उसी तरह से कोई अगर ऊपर की ओर जाता हुआ देख रहा है कंसीडर दिस टू बी ए पॉजिटिव, और कोई अगर नीचे की ओर जाता है
तो कंसीडर दिस टू बी ए निगेटिव। तो ये आप चार सिंबल को याद रखिएगा। अब आप यहाँ पर आइए, ये भी दाहिने तरफ जा रहा है, दिस इज ए पॉजिटिव, ये भी दाहिने तरफ जा रहा है, दिस इज पॉजिटिव, तो वी ए माइनस वी बी में क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये फॉर्मूला का साइन है, तो वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। जैसे अगर हम ये कहें कि लेट अस सपोज इट इज 4 मीटर पर सेकेंड और ये मैं कहा कि दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड, तो आपका वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, सिंपल, चूंकि अलोंग द सेम लाइन है, आप डायरेक्ट लीजिए, वेक्टर का कोई एप्लीकेशन नहीं हो रहा, डायरेक्ट आ गया यहाँ पर 4 माइनस 3 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है, वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब हो गया, बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, जो बाद वाला है ना वही ऑब्जर्वर है, देखने वाला। तो यहाँ पर कौन देख रहा है, बी देख रहा है, किसको देख रहा है, ए को देख रहा है, और ये जो देखने वाला है क्या वो पॉजिटिव आया या निगेटिव आया, आपने क्या देखा, ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, दाहिने तरफ जा रहा है। तो बी ड्राइवर जो होगा ए को किधर आते देखेगा, अपने तरफ आते देखेगा, मतलब यहां पर क्या हो गया, बी ऑब्जर्व्स, क्योंकि ऑब्जर्वर बी है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट बी ऑब्जर्व्स ए टू बी कमिंग टुवर्ड्स B with velocity 1 meter per second, ये उसका ऑब्जर्वर हो गया। अब इसको आइए, वेलोसिटी ऑफ B माइनस A क्या हो गया, B का वेलोसिटी कितना है 3, A का कितना है 4, इसका आंसर क्या आ गया, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। यहां पर ऑब्जर्वर कौन हो गया, बाद वाला कौन है, A, तो A इस समय देख रहा होगा, किसको देख रहा होगा, B को, और वो वेलोसिटी कितना है, माइनस वन का मतलब किधर हो गया, अपनी तरफ आते हुए देख रहा होगा, ये देखिए उसको किधर आता हुआ देख रहा होगा। तो यहां पर हम लोग लिखे माइनस वन का मतलब इसको किधर आता हुआ दिखाई देगा, इस साइड आता हुआ दिखाई देगा, हम लोग लिखे माइनस का मतलब हो गया इस साइड। ऑब्जर्वर कौन है, यहां पर ए ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वर ए सीज बी कमिंग टूवर्ड्स ए, कमिंग टूवर्ड्स ए विथ वेलोसिटी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये क्या, अपने आप देखिए यहां पर फिर से समझ ले, वेलोसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए अपने आप को रुका हुआ महसूस करेगा, और वो बी के बारे में क्या ऑब्जर्व करेगा, कि वो उसके तरफ आ रहा है और कितना स्पीड से आ रहा, 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा, ये तो स्पष्ट हो गया आपका। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट आ जाए, मैं अपने फिगर बना दिया कि देयर आर टू बॉयज ए एंड बी बोथ अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये दाहिने जा रहा है बच्चे लोग, तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा प्लस, और ये इस साइड जा रहा है वो वेलोसिटी कितना हो जाएगा माइनस, ये तो आप समझ गए। अब आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसमें ऑब्जर्वर कौन है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, बाद वाला ऑब्जर्वर होता है, तो दिस इज द ऑब्जर्वर, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, जब भी रिलेटिव लिखना होगा तो वी ए माइनस वी बी, और अलोंग द सेम लाइन है, यहां पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, अलोंग द सेम लाइन है, पिछले प्रॉब्लम में भी क्या था, अलोंग द सेम लाइन, ये भी सेम लाइन है। चलिए वी ए कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, साइन क्या है प्लस थी, माइनस फॉर्मूला का साइन है, वी बी का क्या साइन है, माइनस इस साइड है, तो माइनस 3, तो ये कितना आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, 7 मीटर पर सेकेंड। तो ए अगर इसमें ऑब्जर्वर कौन है, बी ऑब्जर्वर हो गया, ए को किधर देखेगा, प्लस से, प्लस 7 मीटर पर सेकेंड, प्लस 7 मतलब किस साइड आता हुआ दिखाई देगा, टूवर्ड्स राइट, प्लस आने का मतलब बच्चे लोग क्या हो गया, टूवर्ड्स राइट, ऑब्जर्वर कौन है, बी, बी ऑब्जर्वर, और एक इधर जाता हुआ दिखाई देगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये कई बार मैं रिपीट कर दिया इसलिए आपको ग्रिप अच्छा मजबूत हो गया होगा। चलिए अब आपसे किसी ने पूछा, चलो ये बताओ वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गया, तो आप तुरंत देख देना, कभी डाउट नहीं करना, ये इसका मतलब क्या हो गया, वी बी किधर जा रहा है, वी बी इस साइड आ रहा था, दिस इज द निगेटिव माइनस, ये तो फॉर्मूला का माइनस है, वी ए दाहिने तरफ जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, इसलिए ये वैल्यू क्या आ गया,
7 मीटर पर सेकेंड। चलिए यहां पर ऑब्जर्वर कौन है, ए इज ऑब्जर्वर, तो ए अपने आप को क्या देखेगा एज स्टेशनरी। ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को क्या देखता है, रुका हुआ देखेगा, और वो बी को किधर आता हुआ देखेगा, निगेटिव मतलब 30 हो आता हुआ देखेगा। आपका मतलब हो गया ऑब्जर्वर क्या हो गया, ए ऑब्जर्व्स बी टू बी कमिंग लेफ्ट, मतलब टुवर्ड्स हिम, अपनी तरफ, टुवर्ड्स हिम उसके तरफ आता हुआ दिखाई देगा। बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, यस, एक क्वेश्चन को देखिए। सपोज कीजिए कि कोई ए है और एक बी है, दो लड़का है, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और वो इसके पीछा कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, बोथ आर अलोंग द सेम लाइन, और ये दोनों के बीच में कितना है 100 मीटर का गैप, और यहां से ले लीजिए स्टार्टिंग है तो ओरिजिन ले लीजिए, और आपसे क्या कहता है ये ज्यादा है वो कम है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर ये उसका पीछा करेगा तो कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। तो लेट अस सपोज आपसे क्या पूछता, व्हेन एंड वेयर दे मीट, व्हेन एंड वेयर दे मीट, आप ये बात याद रखिए, क्वेश्चन आ गया। चलिए लेट दे मीट आफ्टर 30 सेकेंड एंड एट एक्स पोजिशन वैक्टर, पोजिशन वैक्टर का मतलब ओरिजिन से उसकी दूरी कितनी होगी, इसको बात कहते हैं। यहां से आ गया, बढ़िया समझ गए। अब आप रिलेटिव वेलोसिटी से बनाइए, इसकी सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सॉल्यूशन में 9th क्लास के हिसाब से भी बन सकता है, एज इट इज वन वे डायमेंशन के हिसाब से बना लेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग का यहाँ पर लॉजिक होगा रिलेटिव वेलोसिटी से। तो आपको एक चीज में तय करना पड़ेगा किसको रेस्ट में लेना है, तो हमेशा आगे वाला को, जो सबसे आगे वाला है उसको ऑब्जर्वर मानिए और उसको रेस्ट में ले लीजिए। अब रेस्ट में ले लिए तो ये वाला क्या देखेगा, इसको आते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी लीजिए। कौन सा रिलेटिव वेलोसिटी लीजिएगा, ए बी ले या बी ए ले, ऑब्जर्वर बी को बनाना है बाद वाला को। तो लेट अस सपोज दिस इज द ऑब्जर्वर, तो जो ऑब्जर्वर रहेगा वो बाद में आए। अब लिखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो दिस इज ए वी ए माइनस ऑफ वी बी। चलिए वी ए का वेलोसिटी क्या है, इधर ही जा रहा है प्लस 4, माइनस साइन ये भी इधर ही जा रहा है माइनस 2, तो स्पीड कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड। चलिए अगर हम इसकी बात करें कि इसका एक्सीलरेशन कितना है, तो ये भी 0 है, इसका एक्सीलरेशन कितना है, ये भी 0 है। इसका नाम का दे दीजिए, इसका ए दे दीजिए और इसका बी दे दीजिए बेटर। तो एक्सीलरेशन ए भी 0 है, इसको भी हम लोग वी ए दे दीजिए और इसको भी वी बी दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब आ जाइए आप दूसरा ले लीजिए, एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका भी क्या फॉर्मेट देंगे, ए ए माइनस ए बी, चूंकि दोनों के दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कि दोनों का एक्सीलरेशन 0 हो गया और दोनों का इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा आगे है, अगर यहां से इसको मूव करेगा इधर तो डिस्प्लेसमेंट दाहिने तरफ जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। आप छोटा सा फॉर्मूला लिखिए, क्या फॉर्मूला बच्चे लोग होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस रिलेटिव, यू रिलेटिव, एक्सीलरेशन रिलेटिव, सबका रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ए रिस्पेक्ट ए टू बी है, एस वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू। चलिए एस रिलेटिव में कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इन दोनों के बीच में 100 मीटर का फासला है। U displace, U कितना है relatively? That is 2 meter का फासला। After a t time, ये तो दिया हुआ है, half acceleration 0 हो गया और t निकालना है इसका, लेकिन 0 से कोई मतलब नहीं, इसलिए t equal to कितना आ गया 50 second। तो इसका आंसर क्या हो गया, They meet each other after 50 second। They meet each other after 50 second। चलिए पहला बात तो हो गया, When they meet ये तो हो गया, Where they meet तो हम एक काम कीजिए, अब वास्तविक स्थिति क्या है, ये भी आगे की ओर बढ़ता हुआ आगे यहां तक आ गया,
और ये भी पीछे से बढ़ता हुआ आ गया, और सपोज कीजिए दोनों इसी जगह पर आके मिल गया, और लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स, एक्स आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, आप कहीं से भी निकाल लीजिए, ये कब स्टार्ट किया था टाइम टी इक्वल टू जीरो पर, ये भी कब किया था ठीक उसी समय टाइम टी इक्वल टू जीरो। अब आप कोई एक इंडिविजुअल ले लीजिए, सपोज कीजिए इसको ले लीजिए, ठीक है, अब वो उस टाइम में कितना दूर चला जाएगा वो निकाल लीजिए, उस टाइम में जहां पर वो पहुंचेगा वहीं पर तो दोनों मिलेगा, तो आप लोकेशन आ जाएंगे, पोजिशन, पोजिशन या लोकेशन हम लोग कह रहे हैं पोजिशन। कंसिडर ए ओनली, कंसिडर ए ओनली कितना दूर चला जाएगा, अब ऐसे ले लीजिए, ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां यू किसका हो जाएगा ए का हो जाएगा, एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा ए और टी। चलिए ऐसे निकालना है, व्हाट इज यू ए, इसका अपना वेलोसिटी 4 और टाइम टी कितना है 50 सेकेंड, और एक्सीलरेशन तो दोनों का ही जीरो है। चलिए इसका मतलब एस इक्वल टू क्या हो गया 200, तो आपका मतलब क्या हो गया यहां से 200 मीटर की दूरी पर दोनों साथ हो जाएगा, सही बात है। अब आपको एक मन में आएगा कि हम जरा उसको केस करते तो क्या आता, चलिए आप कंसीडर बी को ले लीजिए, यहां पर आ जाइए चेक, एक मैं चेक करता हूं, आंसर तो आ गया लेकिन फिर भी चेक करता हूं, क्या करता हूं कि इस 50 सेकंड में ये कितना दूर जाता है, मतलब ये डिस्टेंस को देख लीजिए, इस डिस्टेंस को हम एक्स वन मानते हैं, जहां पर दोनों मैच करता है उस डिस्टेंस को बी कितना दूर मूव करता है, तो आ जाइए एस बी निकालते हैं, व्हाट इज ए यू बी, इसकी स्पीड क्या है 2, टाइमिंग कितना है 50, और ए एक्सीलरेशन तो 0 हो जाएगा और टाइम जो भी हो जाएगा खत्म हो गया, ये कितना आ गया 100 मीटर, तो यहां से यहां 100 मीटर और यहां से यहां भी कितना है 100 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 200 मीटर, और यहां से भी चेक कीजिए, यहां से भी 200 मीटर और यहां से भी 100 मीटर, यहां से भी 100 मीटर, तो इसका मतलब हुआ ना कि दोनों मैच करेगा, क्योंकि यहां से 200 और यहां से भी वो 100 गया, तो टोटल का टोटल यहां से लेंगे तो भी और यहां से लेंगे तो भी दोनों सेम पोजिशन पर। नेक्स्ट, यस, अब आपके सामने एक और प्रश्न मैं लेके आ गया, ये देखिए, देयर आर टू डिफरेंट पर्सन और बॉयज ए और बी मूविंग अलोंग द सेम लाइन, यहां पर आइए ए के लिए एक्सीलरेशन ऑफ ए, ए कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी ए का कितना है 0, ये क्या है वी बी और ये क्या है कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सीलरेशन बी का क्या है 0, ए से लेके बी तक का सेपरेशन कितना दिया हुआ है दैट इज एस ए टू बी 100 मीटर, ये आपका रिलेटिव पोजिशन दिया हुआ है। क्या इसमें कहता है कि वेन एंड वेयर दे मीट, वेन एंड वेयर दे मीट, ये सवाल पिछले सवाल के ही समान है, सिर्फ फर्क है कि इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, उसमें नहीं था। चलिए आप किसको ऑब्जर्वर मानिएगा, मैं हमेशा बताता हूं आगे वाला दाहिने साइड वाले को ऑब्जर्वर मानिए, और जो ऊपर में है उसको ऑब्जर्वर मानिए, यहां पर इस दोनों में किसको ऑब्जर्वर मान ले बी को, तो कंसीडर बी टू बी द ऑब्जर्वर, कंसीडर बी टू बी एन ऑब्जर्वर। चलिए अब आप क्या कीजिएगा, वेलोसिटी लीजिए, कैसा वेलोसिटी लीजिएगा, किसको ऑब्जर्वर माने बी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको कैसे लिखेंगे यू ए माइनस यू बी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, शुरुआत की गति है। चलिए इसको लिखते हैं, यू ए का कितना स्पीड है, यहां से आ जाइए यू ए इक्वल टू 0, आप इसको 0 पुट कीजिए, माइनस है यू बी किधर जा रहा है, आप यहां से देखिए दाहिने तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव होगा, इसको वी बी या यू बी दे सकते हैं, पॉजिटिव है 10 मीटर, इस दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया बी और ए की पोजिशंस का निगेटिव आ रहा हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, एक्सीलरेशन कर लीजिए, एक्सीलरेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा ए ए माइनस ए बी, चलिए ए ए का एक्सीलरेशन कितना है अकॉर्डिंगली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए बी चूंकि ये कॉन्स्टेंट गति से मूव करता है इससे ए बी का एक्सीलरेशन 0 है, दोनों का रिलेटिव क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। चलिए अब आपके सामने क्या आता है, एस रिलेटिव ले लीजिए और वो वैल्यू क्या हो जाएगा यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। एस रिलेटिव कितना दिया हुआ आगे की ओर है इसीलिए 100 मीटर वो प्लस में आएगा, यू रिलेटिव कितना है आपके पास माइनस आया है तो यहां माइनस देंगे, लेट अस सपोज दे मीट आफ्टर ए टी टाइम, तो टी हो गया आफ्टर
एक्सीलरेशन रिलेटिव कितना है टू एंड दे मीट आफ्टर टी टाइम, यहां पर आ गया। इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालना, आप क्या कीजिएगा इसको कीजिए, ऐसे कीजिए, ये टू से टू कट गया तो आपके पास क्या आ गया टी स्क्वायर, टू कैंसिल हो गया है तो टी स्क्वायर यहां पर क्या हो गया माइनस टेन टी, और उस साइड चला गया आपके पास हंड्रेड। फिर से एक बार देख लीजिए टी स्क्वायर या माइनस टेन टी, और ये उस साइड है प्लस हो गया। अब आपको इसमें टी की वैल्यू निकालना होल स्क्वायर मेथड से बनाइए, इसके लिए क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस टेन टी, यहाँ जो टेन है उसका आधा कितना होगा फाइव, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ सौ हो गया प्लस पाँच का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। आप देख सकते हैं कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 125 हो गया, इसलिए t माइनस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव रूट फाइव, 125 का अंडर रूट लीजिएगा फाइव रूट फाइव हो जाएगा। इसलिए अगर और क्लियरिटी के साथ करें तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइव प्लस फाइव, रूट फाइव का वैल्यू हम लोग 2.2 ले सकते हैं, 2.23 होता हम 2 ही ले सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, टेन जीरो ये 11 हो जाएगा, इसका मतलब टाइम क्या हो गया 16.0 सेकेंड। तो आपने क्या देखा दे मीट ईच अदर आफ्टर, दे मीट ईच अदर आफ्टर 16 सेकेंड, ये तो खत्म हो गया। अब 60 सेकेंड में उसकी क्या पोजीशन होगी, या फिर 60 सेकेंड में ये क्या उसकी पोजीशन होगी, आप निकाल देंगे आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, इस स्पेस के हिसाब से अब मैं इसको सेट कर लेता हूं, क्या कर लेंगे इसको ले लेंगे, ये कितना दूर जाएगा आ जाइए एस का वैल्यू क्या हो जाएगा ए से लेते हैं ओरिजिन से, तो अकेले अकेले लेना है यहां पर यू ए टी प्लस हाफ ए ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर रिलेटिव नहीं लेते क्योंकि हम सिर्फ इसको निकालते हैं कि वो कहाँ पर जा रहा है, तो एस ए निकालना है अच्छी बात है, यू ए कितना है आ जाइए दैट इज इक्वल टू जीरो, इसका कोई रोल ही नहीं रह गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन टू है और 16 का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा टू से टू कटा 16 इंटू 16 ये कितना हो जाएगा 256 मीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया है ना, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, जरा सही से ध्यान से देखिए और करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या, आप एक लिफ्ट को कंसीडर कीजिए, देर इज ए लिफ्ट, ठीक हो गया, एंड लेट अस सपोज दिस लिफ्ट इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन ए अपवर्ड एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, स्पीड ऑफ लिफ्ट इक्वल टू जीरो, लेकिन ये स्टार्ट कितना से किया है ए एक्सीलरेशन से है, लिफ्ट है ऊपर की ओर। यहां पर देखिए एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर एक बच्चा बैठा हुआ है और इससे इसकी दूरी कितना मान लें लेट अस सपोज इट इज 20 मीटर, लिफ्ट की बेस हो गया ये कौन सा पोर्शन हो गया लिफ्ट बेस, और यहां पर क्या हो गया पर्सन हो गया, एक पर्सन है जो लिफ्ट पर 20 मीटर बेस से ऊपर बैठा हुआ है। नाउ यहां से एक सिक्का गिरा देता है, ये देखिए एक सिक्का है कॉइन एंड इट इज जस्ट रिलीज और ये नीचे की ओर आ रहा है, तो जब ये कॉइन है तो कॉइन का स्टार्टिंग स्पीड क्या है वेलोसिटी ऑफ सी, इनिशियल क्या हो जाएगा इसका भी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल टू जीरो, मतलब एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर ये पॉइंट गिरा और एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर लिफ्ट का भी वेलोसिटी जीरो हो गया, समझ में आ गया, तो ये नीचे की ओर गिरेगा और लिफ्ट क्या हो रहा है ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब आपसे क्या पूछता है व्हेन कॉइन हिट्स द बेस ऑफ द लिफ्ट, ये पूछता है आपसे, तो ठीक है आप आराम से निकालिए, चलिए इसको पहले कर दें और ये पोजीशन को रेफरेंस ले लीजिए, जैसे सपोज दिस इज द रेफरेंस और रेफरेंस को जीरो ले सकते हैं कि चलिए यहां पर से इसको जीरो ले लेते हैं और आगे कहां पर जाएगा देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। आप इसमें क्या कीजिएगा इसको बेस को ले लीजिए, ये बेस हो गया तो वेलोसिटी ऑफ यू हो गया लिफ्ट का बेस ऑलरेडी जीरो हो गया, ऑब्जर्वर किसको मानिएगा, हमने हमेशा बोला जो ऊपर रहता है जो आगे रहता है वो ऑब्जर्वर हो गया, तो क्वाइन ऑब्जर्वर हो गया। तो अब आप चलिए आप क्या निकालिएगा, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बेस लिफ्ट हो गया किसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा क्वाइन, तो ऑब्जर्वर बाद वाला बनता है तो ऑब्जर्वर क्वाइन बन गया, ये कितना आ जाएगा इनिशियल स्पीड ऑफ लिफ्ट माइनस इनिशियल स्पीड ऑफ क्वाइन, ये भी जीरो है ये भी जीरो है इसलिए दोनों ही जीरो हो गया, बेहतर। चलिए एक्सीलरेशन निकालिए, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, चलिए अब आप क्या कीजिएगा
आप आराम से कीजिएगा, एक्सीलरेशन लिफ्ट माइनस एक्सीलरेशन पॉइंट। एक्सीलरेशन लिफ्ट किधर जा रहा है, ऊपर, ऊपर का वैल्यू क्या लेते हैं पॉजिटिव, ऊपर वाला का हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और पॉइंट किधर जा रहा है, पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा अंडर ग्रेविटी है तो वो नीचे की ओर लगता है, क्योंकि जी का वैल्यू किधर लगता है डाउनवर्ड लगता है, और पॉइंट में कौन सा एक्सीलरेशन आएगा निगेटिव जी आ जाएगा, और जी का वैल्यू होता कितना है दैट इज माइनस 10.9.8 होता है, लेकिन आप एवरेज में 10 ले सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस तो फॉर्मूला का आ गया और वो माइनस जी हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया ए प्लस जी दैट इज इक्वल टू ए प्लस 10 भी आप ले सकते हैं। चलिए अब आपके सामने आता है डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। चलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव कितना है 20 मीटर है, क्योंकि आपको क्या देखेगा ये तो रुका हुआ और बेस ऊपर की ओर चल रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ऊपर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। यू रिलेटिव कितना बच्चे लोग है आप देखें कि जीरो है, टाइम टी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, हाफ एक्सीलरेशन क्या हो गया ए प्लस जी हो गया एंड टाइम टी का स्क्वायर, हम लोग ये नहीं जानते हैं टाइम टी का स्क्वायर हो गया। अच्छा एक बात इसमें है, टाइम इसमें आपको दे देगा, थोड़ा सा इसमें एक डाटा हम और ये ऐड कर दें, लेट आफ्टर टी इक्वल टू 1 सेकेंड दे मीट, ये इसमें दे देंगे नहीं तो दो दो अननोन हो जाएगा। इसमें आपको क्या दे दिया क्वेश्चन में कि 1 सेकेंड में दोनों मिल जाते थे, जब इसको गिराया तो 1 सेकेंड में दोनों 20 मीटर को तय करते हुए मिल गया है। आ जाइए यहाँ पर टाइम टी की जगह पर आप क्या पुट कर दीजिएगा दैट इज 1 का स्क्वायर, ईजी कैलकुलेशन, ये आप क्या कीजिएगा ज़्यादा आसान आपके साथ हो जाएगा, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 हो गया और इधर क्या हो गया 1 प्लस 10 हो गया, इसलिए ए इक्वल टू क्या हो गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉजिटिव साइन आया है, इसका मतलब क्या हो गया लिफ्ट इज गोइंग अप, जो हमने पहले भी लिया था आपने समझ गया होगा कि ये कहाँ पर होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, अब पूछता है कि कहाँ पर क्वाइन और बेस टकराता है, वेयर दे मीट, वेयर दे मीट। चलिए इस पर भी मेरा फोकस हो जाएगा, अब आप अकेले लीजिए सिंगल, मैं यहाँ पर हिंट कर दिया सिंगल, आप चाहिए तो सिंगल में क्वाइन को लीजिए या सिंगल में बेस को लीजिए, क्योंकि रेफरेंस ये है इसलिए आप बेस को ही ऊपर लीजिए। चलिए एस कितना चला जाएगा केवल लिफ्ट के लिए, तो यू लिफ्ट हो जाएगा टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन लिफ्ट इंटू टी स्क्वायर, यू लिफ्ट का कितना है स्टार्टिंग 0, खत्म बाकी खत्म हो गया, एक्सीलरेशन कितना है 30 और कितना देर तक चलना 1 का स्क्वायर, तो ये कितना मीटर हो गया 15 मीटर। तो इसका मतलब हो गया टोटल गैपिंग कहाँ पर है, कितना पर है आप देख सकते हैं 20 का और ये कहाँ पर मिलेगा यहाँ से 15 मीटर, मतलब यहाँ पर मिलेगा ये बेस, तब तक कहाँ पर आ जाएगा ऐसे हो जाएगा और लिफ्ट आपका ऊपर, ऐसे आप करके समझ गए ना लिफ्ट की पोजीशन क्या आ जाएगा, इतना ऊपर चला गया ये बेस कितना आ चुका तब तक में 15 मीटर, तो यही लोकेशन आ गया कि किस हाइट पर मिलता है एट हाइट 15 मीटर। इतना इंटरेस्टिंग सवाल कहाँ फिजिक्स में मिलता है, डीप रूटेड कॉन्सेप्ट आपको बताता है फिजिक्स की दुनिया के आप बादशाह होने लगते हैं अगर ऐसे कॉन्सेप्ट को आप सीखते हैं तो। मैं तो अनुभव किया, चाहे ऑप्टिक्स बनाता हूँ मैग्नेटिज्म बनाता हूँ, अरे जो मैकेनिक्स का बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ना उस पर सभी डिपेंडेंट है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ गए तो वहाँ आपका सदा डोमिनेशन बना रहेगा या इजीनेस बना रहेगा। चलिए हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में हम क्या देते हैं, ए पुलिस जी फॉलोइंग ए पिक पॉकेट, पिक पॉकेट का मतलब हो गया जो पर्स छीन के भागने वाला चोर कह सकते हैं, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यू सॉरी वी ले लीजिए इसको वी ले लीजिए, तो ये जो पुलिस की जो है जीप वो एक चोर का पीछा कर रही है, आप ऐसे ले लीजिए ये पुलिस की जीप हो गई और ये एक स्पीड से चलता है वी वेलोसिटी से चलता है, और एक मोटरसाइकिल हो गया यहाँ पर दिस हो गया पिक विथ वेलोसिटी वी एंड पिक पॉकेट स्टार्ट्स विथ एन एक्सीलरेशन ए
तो पिक पॉकेटर का स्टार्ट से इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, और इसका एक्सीलरेशन हो गया ए, एक्सीलरेशन इक्वल टू ए। किसका एक्सीलरेशन है, चोर का। पुलिस जीप का वेलोसिटी कितना है, जीरो, और इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। अरे भाई, किसी का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन बोलने की जरूरत थोड़ी है कि एक्सेलरेशन जीरो, दैट इज ऑब्वियस। और वो दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर है, डी डिस्टेंस पर है। ये देता है। अब कहता है प्रूफ दैट, इसमें एक देता है प्रूफ दैट पिक पॉकेट विल बी कॉट पिक पॉकेट मतलब चोर पकड़ा जाएगा, इफ वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2AD, दैट इज द राइट। ए क्या है, एक्सीलरेशन है, डी क्या है, दोनों के बीच में सेपरेशन है, और वी क्या है, चोर की गति, सॉरी पुलिस जीप की स्पीड है। क्वेश्चन आप समझ गए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली लिया कहां से गया है, तो दैट इज SC वर्मा बुक से लिया गया, उसी की क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझाता है, इसलिए मैंने भी इसकी एग्जाम्पल पढ़ लिया। चलिए अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, ये इसको तभी पूरी तरह से पकड़ पाएगा जब टाइम क्या होगा, मान लीजिए कि आप कोई मानते हैं टाइम, लेट अस सपोज आफ्टर टी टाइम दे कैच ईच अदर, या दे मीट ईच अदर, या पुलिस जीप कैचेस द थीफ, पुलिस जीप चोर को पकड़ लेती है, तो वो टाइम क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, तो वो टाइम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, एंड दैट शुड बी पॉजिटिव। तो एक कंडीशन आप देख लीजिए, कभी भी पीछे वाला आगे वाले को कब पकड़ लेगा, तो ये कॉन्सेप्ट तो मैं लिख देता हूं, कंडीशंस क्या है, कंडीशन जो बैक वाला है, जो पीछे वाला है, आगे वाला को पकड़ लेगा कब, व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हमेशा जीरो से ज्यादा होना चाहिए और ग्रेटर देन भी जीरो होना, देन ओनली ये जो बैक है मीट्स फॉरवर्ड। तो पीछे वाला आगे वाला को तभी पकड़ पाएगा जब टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी किसका ऑब्जर्वर मानिएगा, मैं हमेशा बताता हूं आगे जो है, तो इसको मान लीजिए थीप, या मोटरसाइकिल लीजिएगा तो एम ले लीजिए, जीप लीजिएगा तो इसको जीप ले लीजिए, अकॉर्डिंग टू जीप है और वो उसके मोटरसाइकिल का दिया हुआ, चोर के पास क्या है, स्टार्ट मोटरसाइकिल कर लीजिए, यहां पर मोटरसाइकिल सिंबल लेने में आपको बनेगा। आइए रिलेटिव वेलोसिटी उसको ऑब्जर्वर लेगा तो क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ जीप एज ऑब्जर्व बाय मोटरसाइकिल, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीप माइनस इनिशियल वेलोसिटी मोटरसाइकिल। चलिए जीप का वेलोसिटी कितना है, बी, मोटरसाइकिल का कितना है, जीरो, तो ये कितना हो गया, जी। चलिए एक्सीलरेशन में आइए, एक्सीलरेशन ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू मोटरसाइकिल, चलिए यहाँ भी आइए, एक्सीलरेशन जीप का कितना है, जीरो, वेरी फाइन, माइनस एक्सीलरेशन मोटरसाइकिल का कितना है, ए, तो ये कितना हो गया, माइनस। और दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस रिलेटिव, इस केस में क्या दिया हुआ, डी, एंड दैट इज पॉजिटिव। चलिए आप उसको सॉल्व कर लीजिए, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। चलिए बेहतर ढंग से आप कैच कर रहे हैं, हाँ ये एस रिलेटिव का वैल्यू क्या पुट करें, आप ही बोलिए क्या पुट करें, ऑब्वियसली डी है, क्या साइन देंगे, चूंकि हम क्या देखते हैं, उसको ऑब्जर्वर है और ये आगे जाएगा, मूवमेंट किधर हुआ, उस साइड, तो पॉजिटिव, यस। यू रिलेटिव क्या करें, क्या लेगा, पॉजिटिव है तो भी पुट कर दीजिए, आफ्टर दे मीट आफ्टर ए टाइम टी प्लस हाफ, ये भी सही है, ए कितना है, दैट इज माइनस ए, और टी तो ये निकालना ही है, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना, आपको सॉल्व करना, आप इसको पूरा इस साइड लेके आइए, तो अब क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर बाई टू उस साइड आ गया, ये क्या हो गया, माइनस वी टी, और ये क्या है, प्लस टी। चलिए यहां पर टू को हटा दें, ये टू को हटा देने, कैसे हटा दें, हम पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं टू से, तो ये क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर माइनस टू वी टी एंड प्लस टू टी इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया है, इस स्टेप को इधर ले आया, इसको इधर ले, और ये तो पहले से ही है, तो अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया बच्चे लोग, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, दिस इज ए क्वाड्रेटिक, किस में है, टाइम के फॉर्मेट में है,
अब आ जाइए टाइम के फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक है तो इसका डिस्क्रिमिनेट कितना होता है या रूट्स कितना होता है। टाइम के दो वैल्यू आएंगे, कौन कौन हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। कौन सा इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक कौन सा इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसके दो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर अगर हम लोग टी ले लें, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी ले लें प्लस सी ले लें, तो टी का दो रूट आता है। अगर एक्स लेते तो एक्स वन एक्स टू आता है। चलिए माइनस बी को पुट कीजिए, माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ये तो ए हो गया, सॉरी ये तो ए हो गया, माइनस बी के जगह पर टू भी विथ नेगेटिव साइन है, तो आप आ जाइए माइनस टू भी प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे लोग, माइनस टू भी का स्क्वायर, तो दैट इज फोर बी स्क्वायर माइनस फोर। ए का जगह पर आइए क्या है, ए के जगह पर ए है, वेरी फाइन, और सी के जगह पर क्या है, टू डी है, तो ये आप ले लीजिए टू डी डिवाइडेड बाई क्या है, टू इंटू ए, ए के जगह पर क्या है, खुद ए ही है, ए है। चलो अब आपसे एक बात लॉजिकली सही है कि ये वैल्यू को रियल आने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर रूट वाला निगेटिव आ गया तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, बाकी खत्म हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो टी वन और टी को रियल वैल्यू आने के लिए ये जो स्क्वायर रूट का वैल्यू है जो अंदर के टर्म है जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं हम लोग, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देयरफॉर फॉर टी वन एंड टी टू टू बी रियल, इसको रियल आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके टर्म को हमेशा पॉजिटिव आना पड़ेगा, अगर ये निगेटिव हुआ तो रूट से तो इमेजिनरी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर वी स्क्वायर माइनस फोर ए टू डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फोर फोर कैंसिल हो गया तो क्या बचा, वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो भी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए डी। यही तो हमें प्रूफ करना था, शुरुआत में यही प्रूफ करना था, ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए डी ऑन मार्क, बाकी तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर हमारे पास दूसरे टाइप की प्रॉब्लम आएंगी, टाइप टू। ये टाइप टू में क्या आएगा कि कभी भी आपके पास ये आता है वी ए माइनस वी बी एंड वी ए एंड वी बी आर नॉट इन लाइन, लाइन में नहीं, जैसे कौन सा लाइन में नहीं है, तो क्या हो सकता है, सपोज कीजिए ये भी ए है और किसी कारणवश आपका ये भी बी, आ गया। अब कहता है इस दोनों को आपको घटाना है, तो वो थोड़ी घटेगा, दोनों का डायरेक्शन तो अलग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिखिए, एक भी ए रहने दीजिए और इस माइनस को प्लस कर दीजिए और यहां पर माइनस भी बी कर दीजिए, ये आपके पास हो गया, बेहतर समझ में आ गया। फिर से देखिए, वी ए माइनस वी बी कैन इजीली बी रिटन, वी ए कब के लिए, जब वी ए एंड वी बी आर नॉट इन लाइन, तो जैसे वो लाइन में नहीं है, तो वी ए माइनस वी बी, माइनस का मतलब क्या हो गया, आप इसका बात आइए यहाँ पर, वी ए और माइनस वी बी, तो वी ए कहता अपनी जगह पर रहेगा और वी बी को क्या कहता है कि मान लीजिए दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो वी बी को क्या कहता है, माइनस वी बी, और वेक्टर में माइनस का मतलब होता है रिवर्स, उल्टा, अपोजिट, तो अब क्या हो जाएगा, वी बी उधर नहीं जाके इधर आ गया, तो ये आ गया वी बी, संयोग से ये थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये इंक्लूडेड एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब आपके पास ये वी बी का डायरेक्शन आ गया विथ नेगेटिव साइन आ गया और भी आ गया। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप सिंपल आ जाइएगा, तो क्या कीजिएगा, वेक्टर के नियम के मुताबिक पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर प्लस टू, पहला वी ए दूसरा वी बी और दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चे लोग, 180 डिग्री माइनस थीटा, और इसका रूट हो जाएगा, और ये आपको क्या निकल गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और उसका मैग्नीट्यूड निकल गया। ये हम लोग क्या निकाले थे, वी ए वी बी, ये हमारा था वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी, लेकिन वहां पर एक लाइन में नहीं होने के कारण ये वी ए हो गया और ये वी बी हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। आपने फॉर्मूला क्या होता है, पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर प्लस टू, पहला दूसरा और कोसाइन का एंगल इंक्लूडेड, ये आ गया। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस टू वी ए वी बी और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो आप इसको इजीली आप कर लिए और रूट अंडर तो रही जाएगा, ये प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसको जाता हूँ रिजल्टेंट किधर, यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है, एक बार फिर से देखिए कौन ऑब्जर्वर है, तो बी इज द ऑब्जर्वर, तो ये बी ऑब्जर्वर है, मतलब यहाँ पर कौन रहेगा, ऑब्जर्वर,
ऑब्जर्वर ए को किधर जाते हुए देखेगा, ऑब्जर्वर जो यहां पर रहेगा वो ए को किधर जाते देखेगा, इसका और इसका रिजल्टेंट ले लीजिए, किधर रिजल्टेंट चला गया माइनस, सपोज कीजिए ये रिजल्टेंट हो गया, तो ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये जो बी जो रहेगा, मान लीजिए जो ये बी जो जा रहा है, ये जो वास्तव में तो बी यही ना है, ये तो माइनस बी है, तो बी जाता हुआ दिखाई देगा, ए को इधर नहीं जाते हुए दिखाई देगा, अब क्या दिखाई देगा ए इस साइड जाते हुए दिखाई देगा। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि बी को ए किधर जाते हुए दिखाई देगा, जो ये फिगर बन के आया, क्यों, क्योंकि इसका और इसका रिजल्टेंट तो इसी के ना बीच में कहीं पर मिल जाएगा। चल अब इसको हम बेहतर ढंग से एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, आप इसे पॉज करके एक बार जरूर फिर से देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा। तो दो एग्जाम्पल दे रहे हैं काफी आपको समझा देने के लिए। नेक्स्ट चलिए आपके साथ क्वेश्चन आता है, मैं कहता हूं कि यहां पर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिखो, नॉर्मली दिस इज कॉल्ड ईस्ट और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं नॉर्थ, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा। चलिए इस दिशा में एक लड़का दौड़ रहा है वी ए, लेट अस सपोज 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, और वेस्ट में भी एक लड़का दौड़ रहा है वी बी, चलो इसकी भी वेलोसिटी ले लो 20 मीटर पर सेकेंड, बढ़िया बात। अब आपसे क्या पूछेगा ध्यान दीजिए, आपसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये आपका सवाल। आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, दो लड़के हैं, एक लड़का यहां से दौड़ रहा है ये वाला वेलोसिटी और दूसरा लड़का ये दौड़ रहा है इस, दोनों दौड़ रहा है, किसको किधर जाते हुए दिखाई देगा इन मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आपको क्या पूछा वी ए बी, इसका मतलब क्या हो गया, मैं लैंग्वेज में लिख दूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, और अगर इसको मेरी भाषा में कहा जाए, हालांकि इसकी प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कहें तो क्या हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, ये मेरा अपना सोच है और यही सही भी है, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू बी होता, ऑब्जर्वर कौन हो गया बी हो गया। चलिए इसको जरा सा आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा बी ए बी का वैल्यू, जल्दी से बोल, चूंकि आपसे पूछा गया बी ए बी तो भी ये माइनस दीजिए, वेक्टर साइन को आप जरूर लिखिएगा। अब आप आइए वेक्टर साइन में क्या करना, माइनस को हटा दीजिए और माइनस बी बी कर दीजिए। चलिए माइनस साइन का मतलब समझ गए होंगे, माइनस बी बी मतलब किधर हो जाएगा बच्चे लोग, क्या ये ऊपर लेंगे या नीचे लेंगे, अगर प्लस बी बी ऊपर है तो माइनस बी बी किधर हो जाएगा नीचे की ओर, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 20 मीटर। तैयारी, अब इसका और इसका रिजल्टेंट आपको लेना है, आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट किधर जाएगा, ये भी 20 है और ये भी 20 है। चलिए इसका रिजल्टेंट में मैंने आपको क्या पढ़ाया बच्चे लोग, इसके इसके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। चलिए लिखिए तो क्या मैं पढ़ाया था आपको, पहला वी ए स्क्वायर, दूसरा वी बी स्क्वायर, टू वी ए वी बी कॉस, दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल खुद यहाँ पर 90 है, पिछला वाला केस में 180 डिग्री माइनस थीटा था। इसको हम लोग क्या देंगे बच्चे लोग, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और अगर इसके लाइन के अंदर दे दिए तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको पॉइंट। चलिए वी ए स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर, वी बी भी कितना है 20 का स्क्वायर, और कॉस 90 जीरो होता है तो ये टर्म जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 20√2। तो इसका रिजल्टेंट किधर जाता दिखाई देगा आपको, ये भी और ये दोनों बराबर है इसलिए इधर जाता दिखाई देगा। मान लीजिए इस एंगल को आप अल्फा कहते हैं, अल्फा की वैल्यू नहीं जानते हैं लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड तो तय हो गया, वी ए बी कितना दिखाई देगा 20√2 इस दिशा में। नाउ व्हाट इज अल्फा, अब आप आ जाइए, ये वेक्टर का एक छोटा सा चीज है, आपके पास एक वेलोसिटी ये है और दूसरा वेलोसिटी ये है और उसका रिजल्टेंट ये है, ये भी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी कितना है 20 मीटर और ये रिजल्टेंट है वी रिजल्टेंट और इसकी वेलोसिटी है 20√2। अब आप आ जाइए इस वेलोसिटी को हटा दीजिए और एक दिशा में है उसको इसके पैरेलल में इसको शिफ्ट कर दीजिए और इसी दोनों से ये रिजल्टेंट आया है तो ये भी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और इस एंगल को क्या कहिएगा अल्फा, मान लीजिए अल्फा है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, क्या आप टेन अल्फा के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर 20 बेस भी 20, 20 बाई 20 इक्वल टू 1 इक्वल टू 10 45 डिग्री, इसलिए अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये अल्फा कितना आ गया 45 डिग्री। तो अब आपके पास आ गया किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा, इधर। अब एक बार फिर से पूरा अपने आप को ग्रिल कीजिए,
ऑब्जर्वर कौन है एज पर द क्वेश्चन, बी इज द ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑब्जर्वर बाई बी, तो बी ऑब्जर्वर। तो यहां से जो इसको चलाते हुए दिखाई देगा, मान लीजिए स्टार्टिंग किया, यहां से जाते हुए दिखाई देगा, कार ए को इधर नहीं जाते हुए दिखाई देगा, कार ए को इतना एंगल से झुकता हुआ दिखाई देगा, और कितना एंगल पर, अल्फा कितना गया 45, और किस मैग्नीट्यूड से जाते हुए दिखाई देगा 20√2। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑब्जर्व्स ए मूविंग विथ वेलोसिटी 20√2, किस डायरेक्शन में हो गया बच्चे लोग, ये साउथ और ईस्ट है, तो साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ 45 डिग्री कर दीजिए, 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, एंड दैट इज योर आंसर। साउथ का मतलब हो गया इस दिशा में, फ्रॉम ऑफ का मतलब फ्रॉम होता है, तो फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से कितना 45, आंसर आ गया। ये इतना आसान नहीं है, मैंने अपने 25 साल के पढ़ाई के अनुभव में देखा, पढ़ाने के अनुभव में देखा है कि यहाँ पर लड़के ग्रिल होते हैं, मतलब कई बार उनको डाउट होते रहता है, अगर डाउट हो तो एक बार फिर से पॉज करके देखिए, और एक एग्जाम्पल भी तो मैं दे ही रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया, ये आप फिगर देख लीजिए, नॉर्थ है वो ईस्ट है, ऑब्वियसली ये वेस्ट होगा, आप चाहे तो सिंबल दे दीजिए, दिस इज ए वेस्ट एंड दिस इज साउथ। एक हो गया कि सपोज कीजिए ए पर्सन और ए कार इज मूविंग, हम ले लीजिए ए कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, कितना दे रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जो फिगर में दिया हुआ, ठीक बात है। अब आपसे इसमें पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, सो दैट कार अपीयर्स टू बी मूविंग, कार अपीयर्स टू बी मूविंग अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। मैं आपको बेहतर ढंग से सवाल को समझाता हूं। अब अगर ये अपना इस दिशा में जाएगा तो आप ये मान के चलिएगा कि वो दूर भागता जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो जैसे जैसे ये स्पीड आता जाएगा ये इधर की ओर झुकता जाएगा, पिछले प्रॉब्लम में भी आपने देखा था। चलिए अब आपके बेहतर हो गया, तो आपके पास क्या पूछ रहा है, कौन किसको ऑब्जर्वर लेना है, ऑब्जर्वर कौन दिखाई देगा, वेलोसिटी ऑफ ए एज रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ, इसको नाम दे दीजिए बी, तो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये आपके पास है, ठीक हो गया। ए कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, इस पॉइंट को ए ले लीजिए, और बी कौन सा हो गया जो इधर जा रहा है, वो वेलोसिटी बी हो गया, इसमें ऑब्जर्वर कौन हो गया, बी ऑब्जर्वर हो गया, स्पष्ट रूप से हो गया। आप कहिएगा सर आप बी कैसे समझ गए, आपको नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। अगर देखो बच्चे ये इस डायरेक्शन में और रिजल्टेंट किधर जाना है, इस डायरेक्शन में, तो ये वाला किधर आना चाहिए, इस साइड आना चाहिए। अब आप इसको लिखते हो तो कैसे आ जाता है, वी ए माइनस वी बी, अब माइनस का मतलब क्या हो गया, वी ए प्लस माइनस वी बी। अब आप देखो ध्यान से, ऑब्जर्वर कौन हो गया, बी, और माइनस में अगर ये इस साइड आएगा, अगर ये इस साइड आएगा और एक ये रह जाएगा, तो उसी का ना रिजल्टेंट पॉसिबल है कि इसमें आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, तो ये इसमें आ जाएगा, बी खुद देखेगा ए को इस लाइन में आते हुए, तो ये निश्चित रूप में ऑब्जर्वर बी को ही लेना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं, अब प्रश्न ये है कि इसको इस पर आना है तो आप कैसे कैसे जाइएगा, ध्यान से देखिए, ये आपके पास दो रिजल्टेंट बन गया, कौन कौन रिलेटेड बन गया, एक ये वेलोसिटी और एक ये वेलोसिटी है, उसका रिजल्टेंट किस पर आना है, इसका आना है, तो आपने ध्यान से देख लिया, तो एक वेक्टर कौन हो गया, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, इसका नाम दे दीजिए क्या हो गया, वी ए, और ये वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा पूछता है वी बी, वी बी किधर हो गया, ये वाला, और ये कौन सा है, निगेटिव, तो इसका दूसरा जहां ये खत्म हो जाए वहां से इसको निगेटिव कीजिए, ये कितना चला गया, वी बी विथ निगेटिव साइन, और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाना है, अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इसको मिला दी, यही आपके पास हो गया। तो आपके पास कौन सा लेना है, ये एंगल आपको पूछ रहा था कि ये दोनों के बीच में कितना स्पीड का देंगे कि ये इसके ऊपर आ जाए। एक बार फिर से आप समझ गए, दो वेक्टर में क्या हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, ये माइनस बी बी हो गया। अब टेन ये वाला एंगल कितना आपके पास है, एज यूजल 30 डिग्री है, आपको ये निकालना है बी बी कितना होगा,
क्या आप समझ गए इसका क्या होगा, साइन लेंगे या कॉस लेंगे? आप अगर साइन लेंगे तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, आ जाइए साइन 30 पर। जैसे ही आप साइन 30 लिए तो क्या हो जाएगा, वी बी बाई 20। साइन 30 का वैल्यू, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, बहुत ईजी वैल्यू, इसलिए वी बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स नॉर्थ चलाएंगे तो कार आपको किस ओर जाता हुआ दिखाई देगा, फिर से एक बार देख लीजिए। यहीं पर आपको डाउट होगा, जब भी ये तो वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर इसको इस पे लाना है, उसके लिए ये वाला निगेटिव पीछे जाना पड़ेगा, तो ये निगेटिव क्या हो गया, माइनस वी बी, और इसका ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। तो ये कौन सा हो गया, एक बार फिर यहाँ पर लिखे वी ए, ये कौन सा हो गया माइनस वी बी, और ये वी ए बी, बेहतर है ना। नेक्स्ट चलिए हम लोग अपने प्रॉब्लम के साथ आते हैं। इस नए प्रॉब्लम पे थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, थोड़ा सा मजेदार प्रॉब्लम है, हर में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, इसलिए मैं प्रॉब्लम देता हूँ और सबको मिला दीजिएगा तो बेहतर कॉन्सेप्ट आपके सामने है। क्या देता है, टू शिप्स आर अलोंग ए लाइन, टू शिप्स नाउ है, हम बोट मान लीजिए आर अलोंग नॉर्थ साउथ लाइन 10 किलोमीटर अपार्ट, एक दूसरे से कितना दूरी पर है, 10 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। बी इज फार्दर, बी इज टुवर्ड्स साउथ एंड ए टुवर्ड्स नॉर्थ, तो दोनों की पोजीशन क्या हो गया, नॉर्थ में ज्यादा रहेगा ए और बी साउथ में रहेगा, ठीक है। बोथ आर मूविंग विथ स्पीड, बोथ आर मूविंग, कैसे कैसे चल रहा है, वी ए का कितना डायरेक्शन है, वी ए 20 मीटर पर सेकेंड ए लॉन्ग वेस्ट एंड वी बी 20 यहां पर किलोमीटर ले लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, 20 किलोमीटर along west and VB 20 किलोमीटर पर आवर along north, ये दो पॉइंट्स आ गए। अब इसमें क्या कहेगा, ये फिगर क्या आ जाएगा, रफली आ जाएगी, मैं आपको रफ फिगर से आ जाता हूँ। यहाँ ये पोजीशन ए है और लेट अस सपोज दिस इज द पोजीशन बी, ये चल रहा किस दिशा में, इसको ईस्ट मानिए तो ये आपका वेस्ट दिशा में चल रहा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए एंड 20 किलोमीटर पर आवर, किस दिशा में चल रहा है, दिस इज द वेस्ट, और ये बी किधर चल रहा है, वी बी इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, बच्चे लोग ये किस दिशा में चल रहा है, नॉर्थ में चल रहा है, ये नॉर्थ की पोजिशन आ गया, यहाँ तक आ गया, और दोनों के बीच की दूरी पर कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, फिगर भी दिया हुआ था इसलिए क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ, मैं फिगर भी दे दिया। अब क्या कहता है, व्हेन दे आर एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपार्ट, एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपार्ट एंड वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, मतलब क्या हुआ, यह मैं आपको बताता हूँ। कई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पहले क्वेश्चन समझेंगे तब ना आंसर बनेगा, मैं क्वेश्चन समझा ही नहीं, आप समझे ही नहीं हो तो ये बना भी देंगे तो बेकार हो जाएगा, समझ लीजिए क्या। देखिए बच्चे लोग, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये भी आगे बढ़ेगा, अभी दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर है, लेकिन जैसे ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, थोड़ा देर में क्या हो जाएगा, ये बहुत दूर चला जाएगा और ये उसके पोजीशन से क्रॉस कर जाएगा, तो वो तो बहुत दूर की पोजीशन हो गया। सपोज कीजिए ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आया, तो दोनों नजदीक हो सकता है, दोनों डायगोनली इस तरह रह जाए, जैसे इसको ऐसे पोजीशन को देखिए, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। सपोज कीजिए ये यहाँ तक आ गया और ये यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट, मतलब ये यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया और ये मूव करते हुए इस पोजीशन को आ गया, और एक इस पोजीशन, मतलब ए का फाइनल पोजीशन यहाँ पर आ गया, सॉरी बी का फाइनल पोजीशन यहाँ पर आ गया और ए का फाइनल, तो ये शॉर्टेस्ट हो सकता है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पहुँचेगा और यहाँ फिर एक बार दूरी बढ़ जाएगा,
स्ट्रक्चर में अब हमारे पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। आप इसको रिलेटिव की तरह सॉल्व कीजिए, ना कि एक सिंपल लीनियर मोशन के तरह सॉल्व कीजिए। हम सिंपल लीनियर मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन रिलेटिव इज द ईजिएस्ट मेथड फॉर देम, आपका सबसे ईजी मेथड है। तो क्या करेंगे, किसको ऑब्जर्वर मान लेंगे, आप बेहतर ढंग से कर लीजिए। यहाँ पर किसको ऑब्जर्वर मान लेंगे, बी को ऑब्जर्वर मान लीजिए, जो भी चेंज करना पड़ेगा हम ए को चेंज करेंगे। चलिए हम लोग का क्या ले लेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए, ऐसे ले लेंगे, ठीक हो गया। वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व, बी किधर जा रहा है, इधर, और ए इधर जा रहा है। अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसे लिखिए। वेलोसिटी बी किधर जा रहा है, ये तो इधर जा ही रहा है, वेलोसिटी ए किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो दो वेलोसिटी हो गया, एक वेलोसिटी इस साइड हो गया और एक वेलोसिटी इस साइड, इसको लिखते हैं हम लोग। चलिए पहले तो ये वेलोसिटी देख लिया, चलिए अब हमें इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ, ये कैसा जाता है वो दिखाई देगा, रेडी इस बात के लिए, बेहतर। तो यहाँ पर फिगर आप अगर अलग से बना लें ज़्यादा बढ़िया देगा। यहाँ पर वी बी और वी ए किसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे, और आगे बढ़ के देख लीजिए, वी बी प्लस माइनस वी ए, ऑब्जर्वर कौन हो गया, पहले मुझसे ये बात स्पष्ट कीजिए। तो ए जो ऑब्जर्वर, ए ऑब्जर्वर है, और बी को किधर जाते हुए दिखाई देगा, क्या इधर आते हुए दिखाई देगा या दूर जाएगा, जाहिर बात है कि देख लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा किधर जाता दिखाई देगा। तो वी बी का डायरेक्शन किधर है, ये इसको तो नहीं चेंज किया ना, किसको चेंज किए, ए को, ए किधर है बच्चे लोग, इस साइड है, तो ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस साइड, तो यहाँ पर आ जाइए और इसके डायरेक्शन को सेट कर दीजिए इस साइड। तो दो वेलोसिटी हो गया, एक वेलोसिटी ये हो गया, दूसरा वेलोसिटी हो गया, तो रिजल्टेंट किससे हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड लाइन को मिला दीजिए, माइनस वी बी हो गया, सॉरी माइनस वी ए हो गया और ये वी बी हो गया, ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, तो रिजल्टेंट किधर जाता हो, ये, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ए बी, बेहतर ढंग से समझ। देखिए कभी भी रिजल्टेंट निकालना हो तो फर्स्ट वेक्टर, और जहां पर फर्स्ट वेक्टर खत्म हो जाए वहां से दूसरा वेक्टर, अब फर्स्ट को और लास्ट को मिलाइएगा तो दैट इज द रिजल्टेंट। और ये कितना हो जाएगा, आप अगर इसकी बात कीजिएगा तो ये अल्फा आपको ये निकालना पड़ेगा, वो एक बात की बात हो गया। तो व्हाट इज ए वी ए बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर बच्चे लोग देखिए ध्यान से कितना एंगल है, दिस इज 90 डिग्री। चलिए आप पहले वी ए बी निकाल लीजिए, मैं आपसे यही पूछता हूँ व्हाट इज ए वी ए बी, चलिए कौन लोग बताएंगे वी ए बी, मैं समझता हूँ कि मैं खुद ही बताऊँ। तो ये वी ए स्क्वायर, दिस इज ए वी बी स्क्वायर, टू वी ए वी बी, एंगल कितना देंगे, वी ए और वी बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, अंडर रूट, और ये मॉड में चला गया, मतलब मैग्नीट्यूड, वी ए कितना है 20 का स्क्वायर, वी बी कितना है 20 का स्क्वायर, और ये टर्म कितना है, खुद जीरो, इसका मतलब 20√2। तो वेलोसिटी वी ए बी कितना आ गया 20√2। अब अल्फा निकाल लीजिए कि कितने छोटे एंगल पर से आपको जाता हुआ दिखाई देगा, तो क्या अभी अल्फा निकल जाएगा, मैं समझता हूँ निकल जाएगा, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर आ जाइए, टेन अल्फा, क्या लेंगे, अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज 20, ये वाला कितना हो जाएगा 20, और ये भी क्या 20, तो 20 बाई 21, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये वाला आ गया 45 डिग्री, स्पष्ट रूप से आप समझ गए 45 डिग्री। और दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, पहले से ही दिया हुआ 10 किलोमीटर। चलिए इसको एक बार और फिगर को देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट लाइन पर हो गया, ये वाला कितना आपके पास है 20, कौन सा वैल्यू है, वी ए विथ नेगेटिव साइन, दूसरा क्या है, यहाँ से ये वाला वेलोसिटी जा रहा है, ये भी कितना है 20, ये कितना है माइनस, सॉरी प्लस 20, ये कौन सा था वी बी, ये कौन सा था वी ए, माइनस के साथ था, इस दोनों का रिजल्टेंट कौन सा हो गया, ये वाला रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट का वैल्यू तो वहां से आप देख ही चुके हैं, ये अल्फा हो गया था। अब आप क्या कीजिए कि इस लाइन पर चलता हुआ दिखाई देगा, इस लाइन पर, और आपको मैं बताया ऑब्जर्वर कौन है इसमें, आ जाइए ऑब्जर्वर कौन है, ए, तो ऑब्जर्वर तो अपनी पोजीशन पर रहेगा, ऑब्जर्वर तो यहीं पर रहेगा, ए पोजीशन ये रहेगा, और इसको कार जो ये रहेगा जो बी दिखाई देगा वो इस दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा, देखिए। तो ये कब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर आएगा, ये ए यहीं पर रहेगा और उसको बी ऐसे निकलता हुआ चला गया, चूंकि आपका रिलेटिव स्पीड तो यही हो गया, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर कब होगा, जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिए, आप समझ गए ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट। तो ये एंगल कितना हो गया 90। अब आपका ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिस इज 10 किलोमीटर, ये 90 है, ये 45 है, ये भी कितना है 45, तो क्या आप इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं कितना डिस्टेंस होगा, या ये निकालिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, फिर से देख लीजिए व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों के बीच में ये फ्लाइट है, सॉरी ये आपका सीप है, इधर से निकल गया, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ये अल्फा ले लीजिए, 10 अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर, और बाई साइन अल्फा ले लीजिए,
साइन अल्फा, परपेंडिकुलर कौन हो गया, यही ए से लेके सी तक ए सी, और हाइपोटेन्यूस कौन हो गया ए बी, टेन अल्फा क्या हो गया 45, साइन 45 का 1/√2, ए सी निकालना है, ए बी कितना दिया हुआ 10, इसलिए ए सी कितना हो गया दैट इज 10/√2, इसका मतलब हो गया 5√2, क्योंकि 10 की जगह पर 5 × 2 √2 करेगा इतना किलोमीटर। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस कितना था 10 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट कैसे हो गया, ये ऐसे करके चला गया सिर्फ, तो इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकल जाएगा ना, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, 45 के हिसाब से निकाल लीजिए इसे। अब प्रश्न ये पूछता है कि भैया ये यहां तक कितना देर में पहुंच जाएगा, तो आपके पास तो ये भी तो निकल सकता है ना, बीसी कितना होगा आप निकाल लीजिए, और इसका स्पीड दिया हुआ है तो कब शॉर्टेस्ट पॉइंट पर आ जाएगा, तो कैन यू फाइंड बीसी, क्यों नहीं निकल जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 है, बीसी निकालना आपके पास, ये वाला बीसी कौन सा लेंगे, इस बार फिर एक बार साइन ले लीजिए, एक साइन इस एंगल से लिए थे हम लोग, चलिए इसको भी ले लीजिए, इसको इस बार से ले लेते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, बी यहाँ पर से साइन लिए थे ना अल्फा, हम लोग इसको लिए थे यहाँ से लिए थे, तो ए सी कौन सा लिए थे पोर्शन ए सी, ये अल्फा लिए थे, चलिए इस अल्फा से आप एक बार ले लीजिए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा तो बेस कितना हो गया इसके बाद, अगर इससे लेते हैं तो बेस हो जाएगा ए सी, एक मिनट फिर साइन ही अल्फा आ जाएगा, यहाँ से लेंगे अल्फा तो यहाँ से अल्फा लिए थे तो ये साइन आ गया, एक मिनट कोई बात नहीं ए सी ले लिए कॉस अल्फा ले, कॉस अल्फा लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला बी सी को तो खत्म हो गया, इससे अल्फा लेंगे तो ये ए सी आ गया और डिवाइडेड बाय 10 आ गया, सेम डिस्टेंस आना है, कॉस अल्फा 45 1/√2 और ये ए सी बाई 10, तो ये भी ए सी कितना आ जाएगा 5√2, सेम आना है, इसलिए बार बार मैं देख रहा था कि हर बार तो सेम ही आ रहा है ए सी। अब कितना देर में लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, टाइम टाइम टू क्रॉस बी सी, मतलब क्या आ जाएगा बी सी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी अलॉन्ग बी सी, चलिए बी सी कितना है आपके पास 5√2 है, और टाइमिंग टाइम तो निकालना ही, स्पीड कितना लिखा था, स्पीड है 20√2, किस स्पीड की बात कर रहे हैं, वी ए बी ये वाला की बात कर रहे हैं 20√2, तो इसको 20√2 कर दिया, 20√2 तो ये दोनों कट गया रूट टू, ये कितना आ गया 5/4, 5/20 दैट इज 1/4 15 मिनट, तो आंसर कितना आ गया 15 मिनट्स, 1/4 को 16 से कीजिएगा 15 × 4 = 16, तो ये भी आपके पास आ गया। तो यहाँ पर कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, अगर एक दो लाइन के लिए मैं आपको आगे पीछे भी कर रहा था तो बहुत सिंपल सी बात था, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ, चूंकि बोट ऑब्जर्वर यहीं पर रहेगा, ये शॉर्टेस्ट, और कितना देर में पहुंच जाएगा तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, तो जब बी से लेके सी तक पहुंचेगा उसमें कितना देर लगेगा, टाइम आपको निकालना है, टाइम निकालने के लिए क्या हो गया, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है ज्योमेट्रिकली और इस दिशा में स्पीड भी दिया हुआ है, तो टाइमिंग निकल गया। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ, वो क्या होगा, रेन एंड अम्ब्रेला, वो भी रिलेटिव वेलोसिटी है बट दैट इज कॉल रेन एंड अम्ब्रेला। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए, बढ़िया से इसका नोट्स बना लीजिए, और एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाए तो ये सदा के लिए हो जाए। लेकिन जो लोग भी नए हमारे वीडियो देख रहे हैं हमें, उन लोग सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।